बीजेपी ने आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश पदाधिकारी और कार्यकर्ता रायपुर घड़ी चौक स्थित बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन उन्होंने किया। इस दौरान बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर कई सवाल दागे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जो है क्वांटिफाइबल डाटा की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया और ना ही राज्यपाल को भेजा है। इसके कारण जो है आरक्षण अटका हुआ है। सरकार को इस डाटा को राज्यपाल के पास भेजना चाहिए, जिससे आरक्षण का लाभ जल्द से जल्द सभी वर्ग को मिल सके। सीएम भूपेश ने आरक्षण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जिस आरक्षण को हमने साल 2012 में पेश किया था, उसमें सरकार ने कई बदलाव कर दिए। जिस व्यक्ति को हाईकोर्ट भेजा गया, उस व्यक्ति को सरकार ने उपकृत किया है।